नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गौरेला पेंड्रा जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में 30 साल की महिला ने शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पेंड्रा निवासी, जो गौरेला जनपद पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात है, वो साल भर से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर गौरेला थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी सुभाष रजक के खिलाफ बीएनएस एक्ट, SC ST एक्ट के तहत में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल आरोपी FIR होने के बाद से फरार बताया जा रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वर्षीय शादीशुदा महिला के द्वारा आरोपी सुभाष रजक, जो पेंड्रा का रहने वाला है, उसके विरुद्ध विगत साल भर से शारीरिक शोषण का लिखित शिकायत दी है, जिसके थाना गौरेला पे 64(2) और SC ST एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कांकेर के सुभाष वार्ड में लक्ष्मी बर्तन भंडार में रॉकेट और पटाखों से आग लग गई है। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और आग पर काबू पाने की मशक्कत जो है वो करने लगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और आगजनी में कितने का नुकसान हुआ ये बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि घर की छत पर पूरा प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। हालांकि आगजनी में कोई व्यक्ति विशेष हताहत नहीं हुआ है। महतारी वंदन योजना पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन के तहत में महिलाओं को 9वां किस्त जारी कर दी गई है। वहीं कुछ महिलाएं महतारी वंदन योजना से वंचित रह गई हैं और उनके लिए फिर से जल्द ही जो पोर्टल है वो खोला जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब से सरकार 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये दे सकती है, तो बाकी महिलाओं को भी दे सकती है। नौवां किस्त महतारियों के खाते में, 70 लाख महिलाओं के खाते में चले गए। कुछ महिलाएं अभी भी हर पंचायत में 2-4-5 ऐसे हैं, किसी कारणवश से छूट गए हैं। हमारी सरकार जब 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने दे सकती है, तो कुछ छूटे हुए महिलाएं हैं, आने वाले समय में फिर से पोर्टल खोलने का आवेदन भरेंगे, उनको भी दिया जाएगा। ये इंतजार इसी साल खत्म होगा या अगले साल? देखिए, बहुत जल्दी उनका इंतजार खत्म होगा, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जाएंगे। तो वहीं रायपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में अनियमितता मामले में जिला अस्पताल के 2 DMF कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इससे पहले इसी मामले में नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी और साथ ही स्टाफ नर्स को भी निलंबित किया जा चुका है और अब तक कुल मिलाकर 5 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक मन को दुखी करने वाला घटना है और मैं जब से घटना की जानकारी मुझे मिली, मैं तत्काल उन लोगों को मेगाहरम बुलवाया और जितने भी लोगों की ऑपरेशन हुई है अभी चिन्हित करके सारे लोगों से मिलकर हमारे स्टाफ उन एक एक लोगों को देखेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो उनको लाने का सिलसिला भी जारी है और प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने रायपुर से स्टेट लेवल की जांच दल का गठन करके भेजा था। उसमें जो नेत्र चिकित्सक हैं उनकी गलती उसमें नजर आई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ जो सहायक हैं और जो OT इंचार्ज हैं, इनको भी उस दिन सस्पेंड कर दिया गया और बचे 2 DMF से उनके जो और सहयोगी हैं जिनका देखरेख का काम रहता है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है।
अभी जांच और चल रही है, इसमें और भी जिनके भी दोष होंगे उन सब लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज हमको जो मरीज हैं उनकी चिंता है और उसको विशेष रूप से उनको केयर में रखकर हम मेकाहरा में इलाज भी करवा रहे हैं। एक वार्ड ही अलग से कर दिए हैं पूरा सेटअप। हम बाहर से भी चिकित्सकों से बातचीत कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार और बाहर के भी डॉक्टरों से संपर्क में हैं ताकि उनकी आंखों को हम पुनः रोशनी दे सकें। खबर बिलासपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर कोनी में सिम्स के नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया है। खबर रायपुर से है, जहां पर सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के कई स्थानों में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। और इनमें से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोनी का सिम्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण, रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सक अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। बिलासपुर से अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल और जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगवा ने भी अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए नशे के फैलाव पर चिंता व्यक्त की और साथ ही पिंगवा ने नशे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से भी ज्यादा इसके विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। और उन्होंने कहा कि नशे से सभी तरह के अपराध जन्म लेते हैं, इसलिए इसकी रोकथाम पर गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए। अभियान में विशेषकर युवाओं को शुरू से ही नशे की बुराइयों से अवगत कराया जाए। कलेक्टर अपनी शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो वही निकाय चुनाव में महज कुछ ही दिन जो है वो शेष बचे और ऐसे में बार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। भकारा स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों ने विकास कार्यों की सूची कांग्रेसियों को गिनाई है। नगरवासियों के लिए पानी के बीच में जो तकलीफ होती है गर्मी में, वो तकलीफ भी और बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसके लिए आज हमने अपने निधि से 2 हैंडपंप वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 13 में अपने निधि से मैं 2 हैंडपंप की सुविधा दी दिया हूँ वार्ड 11 और 13 में। सर्वे करवाए, नजूल सर्वे करवा के घास में निवासरत व्यक्ति, नजूल में निवासरत व्यक्तियों को नजूल का पट्टा कम से कम प्रदान करें, प्रदान इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में जो इस प्रकार की जो घटनाएं अचानक हो जाती है उससे निजात मिले लोगों को, जो दहशत है वो दहशत को खत्म हो कम से कम।
पावर हाउस में छूट गए जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अजय चंद्राकर को मंत्री नहीं बनाया, वो भाजपा की चिंता है, कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत है, वो भाजपा चिंता करेगी। अब अजय चंद्राकर विधायक विधायक दो मंत्री बराबर हैं, एक मंत्री नहीं दो मंत्री बराबर है, और ऐसे राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बराबर है, उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सवा चार साल रहेगी, और आने वाले नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी नगर पंचायत बघारा का दिन दूनी रात चौगुनी जितना सोचे नहीं उससे ज्यादा विकास होगा। जहां पर हमारी सोच नहीं पहुंचती उससे पहले अजय चंद्राकर सोच पहुंच जाता है कि हम क्या करें बघारा के लिए। जितना विकास उन्होंने क्रूज में कराया उतना ही विकास बघारा में करवाया, एक विधायक काम में देखा है। एक हादसा हुआ था अजय चंद्राकर को लेखराम ने हरवा दिया था, लेखराम अपने खिलौटी रोड आज तक नहीं बना पाया, आज तक नहीं बना पाया रोड, कॉलेज बनाया किसने बनाया, लेखराम का गांव का भी छोड़ देता अजय चंद्राकर, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं है, वो किसी की गांव होगा उसमें लेखराम का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्षेत्र के लड़का पढ़ेगा, क्षेत्र के हमारे उन्हार बालक वहां पढ़ेगा, उसके लिए उसका प्रयास होता है। ये विचार इसका सोच ये सोच भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, कांग्रेस में नहीं। अब पुनः रिपीट कर रहा हूं आपको, पुजोर रिपीट कर रहा हूं, अब आप लोगों को इसमें बोलना चाहिए कि पांच साल में भूपेश बघेल के द्वारा नगर पंचायत बघारा में क्या काम किया या क्या काम उसके प्रतिनिधि द्वारा उसके जिला के पदाधिकारी द्वारा कराया गया, एक भी मेरे बता दो। एक एक अब कोई एक लाख का कोई कहूं नाली बना दे वो भूपेश बघेल के उपलब्धि नहीं है, जैसे अजय चंद्राकर 132 के हुए 440 के हुए महाविद्यालय स्टेडियम सुपेला से बघारा से सुपेला बघारा से सिलगढ़ जो लाइफ लाइन बना दिया जिससे जनजीवन की स्थिति उस परिवर्तन होती है, ऐसा कोई काम बता दें। इसके लिए इसके लिए हम विवाद रखेंगे आगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक की है, इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। मीडिया के सभी साथियों आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज कैबिनेट की 16वीं बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग
से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्री परिषद ने लिया है। मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा 2020 में एमएसएमईडी एक्ट 2006 में सूक्ष्म लघु मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने विशेष प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्योगों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नई उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी, ईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्री परिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज्यादा निवेश आ सके और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्री परिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज की बैठक में मंत्री परिषद ने किया है। सर, वो कौन से उद्योग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? नहीं, स्पष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वाइज रचना औद्योगिक नीति में बनाई है। ग्राम नियानार जगदलपुर जिला बस्तर में NMDC के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा CSIDC को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। नया रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा राज्य में राज्य आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा मोदी की एक और गारंटी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु 19 से 23 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लालपुर में इतना ही, नमस्कार।